मेसी के एक और स्टैट पैड के ऊपर मेरी एक और बेशरम वीडियो, आप सभी को मुबारक हो। बिल्कुल भाई, टीका शीका लगा के भगवान के दर्शन करे सुबह हमने। बिल्कुल पता है एट दिस पॉइंट मेसी के जो करियर है ना, इंटरनेशनल करियर स्पेशली, ये इट इज नॉट अबाउट फुटबॉलिंग स्टैट्स एनीमोर, इट इज अबाउट जियोग्राफी। ऐसा कितनी बार होता है कि मेसी एक गोल मारता है और तुम लोगों को पता चलता है अरे वाह, कूड़ा खाओ नाम का एक देश है भाई। इस देश की 1.5 लाख पॉपुलेशन है भाई। मैं अभी मैं बाहर निकलू ना बैचू दिल्ली में, मेरे को रोड तक जाने तक 1.5 लाख लोग दिख जाए। पैडिंग एनीमोर। ऐसा कौन सा फुटबॉल फैन है जो इस टाइम पे मेसी को देखता है और उसके दिमाग में एक बार ही नहीं आता भाई ये यहां से पीएसजी कैसे जाएगा, ये यहां से अर्जेंटीना के बाद इतना प्यार व्यार होने के बाद हाउ इज ही इवन गोइंग टू थिंक ऑफ गोइंग टू पीएसजी, जहां पे दे हेट हिम। अब भाई देखो, मेरे को ना इतने टाइम में जब मैं ऑफकोर्स इतने सालों से बेशर्मी से वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ी बेशर्मी इस बात की भी आ चुकी है कि प्रोबेबली पीएसजी की तरफ से तुम लोगों को लगेगा, जस्ट तुम जो मर्जी बोलो भाई, पीएसजी की तरफ से तुम्हें जो मर्जी लगे ठीक है, पीएसजी की तरफ से जस्टिफाइड हो ना हो, इफ यू जस्ट केयर अबाउट कि ठीक है व्हाट इज मेसीज इंटरेक्शन टुवर्ड्स देम और व्हाट इज मेसीज इंटेंट टुवर्ड्स कमिंग बैक टू बार्सिलोना। जितनी चीजें मार्केट के अंदर बढ़ रही हैं स्पेशली ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद, तो भाई मेसी को ऐसे इन्वायरमेंट में देखने के बाद कोई भला कैसे नहीं बोल सकता यार। तुम इस कसम से बताओ कि हाउ द हेल इज ही गोइंग टू प्ले एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर वेर ही इज नॉट द मेन मैन। इवन इफ ही वॉन्ट्स टू बी द मेन मैन, ही कैन नॉट बी द मेन मैन। इट इज नॉट इवन अबाउट द मनी एनी मोर, नॉट इवन अबाउट द ट्रॉफीज एनी मोर, क्योंकि सब कुछ तो उखड़ चुका है, सब कुछ तो जीत चुके हैं, हम लोग बार बार से आके वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, सेम चीजें बार बार बोल रहे हैं कि ओ माय गॉड मेसी अभी भी ट्रिपल कर रहा है, मेसी अभी भी आके रुक नहीं रहा, मेसी अभी भी हैट्रिक्स मार रहा है, अभी भी भाई स्टैट पैडिंग चल रही है, ए बार मैन इज नॉट स्टॉपिंग नाउ। तो इट इज नॉट हैपनिंग येट भाई, हिज करियर इज नॉट एंडिंग येट। जो मुझे लग रहा था होगा, मुझे लग रहा है मैं अभी भी हर हफ्ते देखो बैठो फोन बज गया, तुम्हें पता होता जो भी है कि फोन बज जाता है अगर तुम बोल रहे हो तो सच होता, पर नहीं। द पॉइंट इज कि अगर मैं बार बार आके हर हफ्ते एक ही चीज के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ सेम चीज एंड लोग सुन रहे हैं, क्योंकि वो कर रहा है, वो अभी भी ड्रिबल कर रहा है, वो अभी भी गोल स्कोर कर रहा है, वो अभी भी हैट्रिक्स पेल रहा है, एंड पीपल नो ही कैन डू दैट फॉर अ लॉन्गर टाइम देन इट इज परसीव दैट पीएसजी के अंदर ऐसा लगता है नो ही कांट डू दैट, क्योंकि पीएसजी के अंदर उसको वो जो काम दे रखा है ना, हम लोग बहुत बारी बात कर चुके हैं ऊपर नीचे ये दाएं बाएं डिफेंस में आके ड्रॉप करके तो वो चीज़ें नहीं करेगी। अरे अर्जेंटीना के अंदर देखो भाई, बंदा प्रॉपर टाइम सीधा अटैकिंग बॉक्स के अंदर, पूरा टाइम अटैकिंग बॉक्स के अंदर, एंड ये चीज़ें तो तुम्हें पीएसजी के अंदर देखने को ही नहीं मिलेगी। देर इज नॉट इवन वन इंस्टेंस जब तुम लोगों को एक मैच देख के पूरा प्रॉपर ऐसा लगे अरे मेसी तो आज पूरा अटैकिंग बॉक्स के अंदर खड़ा हुआ है भाई, बार बार उसको बॉल मिल रही है बार बार। आज के मैच में उसने 7 शॉट लेते हैं। तुम्हें पीएसजी की गेम के अंदर पता है कब दिखते हैं, जब पीएसजी की टीम जीत रही होती है कोई एक गेम 6-0, तो वो लोग इनमें मेसी को सारे बॉल दे रहे होते हैं कि चल भैया मेसी को गेम खिला लेते हैं, मेसी ने हम लोगों के लिए इनफ चांसेस बना दिए हैं, हम लोगों को इनफ असिस्ट दे दिए हैं, मेसी ऑलरेडी 3 असिस्ट के ऊपर बैठा था उस गेम के अंदर, नॉट लाइक दीज गेम्स जहाँ पे मेसी के 3 गोल होते हैं 1 असिस्ट होता है। एंड आई नो वंस अगेन कि 86 रेटेड टीम है, Do you think we Messi fans care? मतलब सारे का सारा सिनेरियो ना अब इज ऑल अबाउट हिज ट्रांसफर, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हिज ट्रांसफर। तुम्हें भाई अलग अलग चीजें सुनने को मिल रही है कि अब MLS की हर टीम ओन करना चाहती है मेसी को, कि अपेरेंटली दे आर वर्किंग ऑन अ पैक्ट जहाँ पे MLS की हर टीम कलेक्टिवली मेसी को ओन करेगी, वो लोग एक एक हफ्ता मेसी को खिलाएंगे, पता नहीं क्या मैच क्या क्या सीन चल रहा है कि कोई एक टीम को ड्रॉ निकाला जाएगा, कोई एक टीम को मिलेगा मेसी खेलने के लिए, लेकिन सैलरी सारे के सारे टीम भरेगी क्योंकि एट द एंड लीग की पूरी बरौटरी होगी, या फिर कोई कह रहे कि भाई एक एक हफ्ता हर टीम खिलाएगी, जो विच मेक्स नो सेंस टू मी ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हें सऊदी अरेबिया के ऑफर चिप पढ़ने को मिलेंगे भाई, अपेरेंटली इंटर मिलान वांट्स टू साइन मेसी, इंटर मिलान लाइक हाउ द हेल। तो इट इज बट तुम्हें पता है भाई सारे सिनेरियो तुम लोगों को पता है, इट इज ईदर ही इज गोइंग टू MLS
और ही आई डोंट नो भाई, आई थिंक इट इज बार्सिलोना, आई थिंक इट हैज टू बी बार्सिलोना। बार्सिलोना का लिटरली अपना कैंप नू छोड़ना नेक्स्ट सीजन, विच दे वर अबाउट टू डू, वो अगले साल अपना कैंप नू छोड़ने वाले थे। तो मेरे को था अगर मेसी वापस भी आएगा तो यार कैंप नू में नहीं होगा, बट नाउ दे आर रेडी टू कैंसिल इट। एंड अगर वो लोग अब सब कैंसिल कर रहे हैं, अगर वो लोग प्रॉपर तरीके से जा रहे हैं अपने अगेंस्ट लगे सारे एलिगेशन के ऊपर, फुल ऑन थ्रॉटल मोड के ऊपर जा रहे हैं, उन लोगों ने ला लीगा को चैलेंज कर दिया था कोर्ट के अंदर, सारी चीज़ें जो उनके अगेंस्ट जा रही है वो चैलेंज कर रहे हैं उनको आगे बढ़ के, दे आर गोइंग टू स्टे एट कैंप नू नेक्स्ट सीजन, दे आर रिवाइविंग देयर शिट वेरी फास्ट। एंड अगर वो लोग सर्जियो बुस्केट्स को इतना बड़ा पे कट दे रहे हैं, 75% का पे कट दे रहे हैं सर्जियो बुस्केट्स को, दे आर मेकिंग शिट हैपन। इट इज़ नॉट लाइक दे आर जस्ट सिटिंग डाउन राइट नाउ कि चलो भाई समर की समर में देखेंगे। अगर वो लोग अभी से लगे हुए हैं ना कि भाई हमको अभी से चीज़ें करनी है, हम बेचेंगे प्लेयर्स को, आंसू फाटी को बेचेंगे भाई, हम आंसू फाटी के ऊपर भी आगे बात करेंगे यार, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है उसने भी, उसके बाप ने अपेरेंटली, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन नहीं, आई थिंक बार्सिलोना इज पुलिंग देयर शिट टुगेदर to bring home Messi. They are doing it. It is inevitable, मेरे भाई, मेरे को पता है तुम लोग खुश हो जाओगे ये चीज़ें सुन के, एंड मैं तुम्हें खुश कर, मैं तुम्हें उम्मीदें देना नहीं चाहता है ना भाई, एक्सपेक्ट डिसअपॉइंटमेंट, यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटेड या वाह शाबाश। तो आई वुड बी मोर सरप्राइज एट दिस पॉइंट अगर अब मेसी वापस बार्सिलोना नहीं आता, आई वुड बी मोर सरप्राइज, क्योंकि अब मेरे को कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहे ना कि MLS जाएगा हर क्लब के लिए एक एक हफ्ता खेलेगा, वो तो दैट डजंट मेक सेंस एट ऑल। पर मतलब कुछ तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा है जो मेसी को वापस से उस एनवायरनमेंट में लेकर आएगा वेयर ही फील्स लव्ड, जस्ट लाइक अर्जेंटीना, ही नोज इट। उसके दो ही जगह हैं जहाँ पे वो भगवान है, वैसे तो हर जगह का है वो, जहाँ जहाँ फुटबॉलिंग है, जहाँ जहाँ फुटबॉल को प्यार किया जाता है वो है वहाँ का, बट प्रॉपर तरीके से जो भगवान है, जहाँ पे लोग लिटरली घुटनों पे आ जाएंगे उसको देखने के लिए, दैट इज बार्सिलोना एंड ऑफ कोर्स अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जहाँ वो खेल रहा है एवरीबडी नोज हिज शिट, ही स्कोरिंग हैट्रिक्स, ही इज इन दैट एनवायरनमेंट, हर गोल के बाद सब लोग मेसी मेसी सब चिल्ला रहे होते हैं, एंड दैट इज नथिंग न्यू फॉर हिम नो, दैट इज लाइक एवरीडे स्टफ फॉर हिम। वो जितनी बड़ी अर्जेंटीना में खेलेगा वो चाहे गोल ना मारे, ही इज गोइंग टू हियर चांस ऑफ मेसी 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 पूरे मैच के दौरान, जो कि कल के मैच में भी हो रहे थे, आज सुबह के मैच में जो हो रहे थे अपेरेंटली, एंड वो होगी उसके लिए, दैट इज नथिंग न्यू फॉर हिम। पर एक चीज जो स्पार्क हो चुकी है ना बार्सिलोना के अंदर, वो है द रिटर्न ऑफ मेसी, एंड द रिटर्न ऑफ मेसी इज नॉट रियली गुड फॉर एवरीवन, बीइंग वेरी फ्रैंक। आई थिंक यही एक सिनेरियो है जो बार्सिलोना फैंस भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेसी वापस बार्सिलोना आता तो इज इट ऑल गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्या वो किसी प्लेयर से मिनट्स नहीं खाएगा, क्या वो किसी प्लेयर की जर्सी नंबर नहीं लेगा, वो ऑब्वियसली जो वो लेगा 10 नंबर के बिना तो उसे मैं बार्सिलोना में देखने भी नहीं वाला ना भाई, बिल्कुल नहीं। अगर तुम वापस लेकर आ रहे हो उसको सबसे पहले 10 नंबर दो मेरे भाई, 30 नंबर बहुत देख लिया हमने, ठीक है। एंड आंसू फाटी से जो अगर तुम ले रहे हो अपेरेंटली नंबर, उसके बाप ने जो चीज़ें बोली हैं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ चीज़ों से एग्री करता हूँ नहीं करता, बट इन टोटल सिनेरियो ना ही सेड इट कि Ansu Fati इज अ फ्रेंचाइज प्लेयर फॉर बार्सिलोना एंड ही डिजर्व मोर मिनट्स, जो कि तुम्हें Ansu Fati की एंड से तुम्हें प्रॉबेबली लेजिट लगे, बट देन हिज सिनेरियो पुटिंग एवरीथिंग ऑन एवरीबडी, मतलब उसके पास सबके लिए कुछ ना कुछ था, सबके लिए कुछ ना कुछ अगेंस्ट ही था कि ठीक है इस बंदे की ये गलती है, बार्सिलोना का बोर्ड टाइम नहीं दे रहा, शावी सिलेक्ट नहीं कर रहा, लुइस एनरिके टाइम नहीं दे रहा Ansu Fati को, ही हैड एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। बट मेरे को जो एक चीज़ थोड़ी लगी ना भाई कि वॉट अबाउट Ansu Fati, आई थिंक सी आई नो एज अ बार्सिलोना फैन हम सब लोग यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि कैसे Ansu Fati जो था वो अब नहीं है अभी के लिए, एंड उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उसको टाइम जरूर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो प्रॉब्लम उसको अगर एकदम से ना दिया जाए चलो ठीक है, इतने क्रूशियल मोमेंट के अंदर अब तुम लोग प्रॉब्लली 12 पॉइंट के लीड पे आ चुके हो लीग के अंदर, तो शायद से यू कैन अफोर्ड टू गिव टाइम टू Ansu Fati, बिल्कुल भाई बिल्कुल, आगे से हम देख सकते हैं। बट देन यू सेइंग दैट ठीक है भाई सारी की सारी गलती यही है क्योंकि Ansu Fati को टाइम नहीं मिल रहा, Ansu Fati को खिलाने का टाइम नहीं मिल रहा भाई, सारी गलती यही है। ऐसे Ansu Fati तो अभी तक जितनी देर खिलाया उतनी देर में भाई वो प्रॉपर गोल वोल मार रहा है, जैसे प्रॉपर एकदम तरीके से परफेक्ट खेल रहा है वो, तो जैसा तो सिनेरियो है नहीं ना। तो आई थिंक जो इट इज नॉट ब्लैक, इट इज नॉट व्हाइट, इट इज ऑलवेज ग्रे, एंड दिस इज नॉट रेसिस्ट, दिस इज नथिंग टू डू विद पीपल, दिस हैज टू डू विद फैक्ट्स कि भाई आई नो यहाँ पे उसकी तरफ से है, Ansu Fati का जो फैन बेस है वो भी इस चीज़ के ऊपर चिढ़ा हुआ है भाई कि हमारे प्लेयर को खिला नहीं रहे हैं, एंड अब तो भाई बेचने की बात आ गई कि फेरान टोरेस और Ansu Fati में से एक को बेच दिया जा सकता है टू मेक श्योर कि स्क्वाड अपने अंदर प्रॉपर तरीके से रहे एंड टू कैश ऑन देम, जो कि मैं जिसके मैं इन फेवर हूँ, हाँ या किसी एक को बेचने का, आई जस्ट फील लाइक
आई नो कि तुम दोनों को टाइम दे सकते हो, आई नो तुम दोनों को टाइम दे सकते हो, बट अगर तुम्हें टाइम देना ही है ना तो तुम किसी एक प्लेयर को दोगे, इन माई ओपिनियन जैसे बार्सिलोना अभी तक सिर्फ एक प्लेयर को टाइम दे रही थी ना, हाँ डेम्बेले को टाइम दे रही थी, उन्होंने कुटिनियो को भेज दिया था वेन ही वॉज अ फेल, एंड उन लोगों ने ग्रीजमैन को निकाल दिया था टाइम से वेन ही वॉज अ फेलियर। इट इज अगर वो लोग ग्रीजमैन को अभी तक स्क्वाड के अंदर रखते हैं, कुटिनियो को अभी तक स्क्वाड के अंदर रखते, डू यू थिंक अभी बार्सिलोना 12 पॉइंट की लीड के ऊपर होती ला लीगा के अंदर? नो, नहीं होती। तो इट मेक्स सेंस टू मी बिजनेस स्टैंड पॉइंट से यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम सर्टेन प्लेयर्स अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो मतलब बार्सिलोना के अगेंस्ट जो ये जो फॉल आउट हो रहा ना कुछ प्लेयर्स का, वो कई पॉइंट पे समझ आता है मेरे को कि हाँ ठीक है, वो लोग उन लोगों का समझ आता है मुझे, कई बार समझ आता है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अंशु फाटी जो कि उनका स्टार होने वाला था आगे वाला, 10 नंबर दिए था उसको किस कुछ सोच के जर्सी के ऊपर, तो अब वो चीज़ें अगर उसको इंजरी साथ नहीं दी है एंड इफ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट फॉर हिम, तो क्या उसको पेशेंस नहीं दिखाया जाएगा? तो वो चीज़ मुझे समझ आती है, आई कैन अंडरस्टैंड इट, बट द पॉइंट इज दैट बार्सिलोना जिस पेस के ऊपर जा रही है, बार्सिलोना जिस तरीके से अब साइनिंग्स कर रही है, अपकमिंग फ्यूचर के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग सच अ यंग स्क्वाड बट सच अ टैलेंटेड स्क्वाड, डू दे एक्चुअली वेट एंड इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन अ लॉट ऑफ प्लेयर्स? सिलेक्टिव प्लेस के ऊपर समझ आता है, आंसू फाटी फेरान टॉरेस में से किसी एक को रोक के तुमने उसको टाइम दिया है वो समझ आता है, लेकिन देन आंसू फाटी को भी टाइम दो, फेरान टॉरेस को भी टाइम दो, रफीना इज टचवुड प्लेइंग गुड बट ठीक है अगर तुम कोई और साइनिंग करके लाते हो उसको तो उसको भी टाइम दो, दैट डजंट मेक सेंस। उसका बाप भाई पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई थिंक ही इज गोइंग अ बिट टू मच, बार्सिलोना को इंस्टाग्राम वगैरह पे अनफॉलो कर रहा है, इतना एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दे रहा है उनके खिलाफ, जो मुझे समझ नहीं आता हाउ इज दैट गोइंग टू हेल्प आंसू फाटी का सिनेरियो बार्सिलोना के अंदर किस तरीके से? इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प आंसू फाटी बाय एनी मीन्स, इट इज नॉट going to help Ansu Fati, it is just probably going to Barcelona ke board ki taraf se Ansu Fati ki taraf jo thoda bahut affection hai na wo probably khatam karegi ye cheez। To wo mere ko itna explosive interview ka point, matlab kai bari mujhe lagta hai ki chalo theek hai yaar, एज अ क्लब फैन सोच रहे हो ठीक है, अगर तुम एक फैमिली के पर्सपेक्टिव से सोचोगे जिसका लौंडा एक इतना बड़ा प्लेयर प्रोजेक्टेड था उनके क्लब के अंदर कि चलो भाई ये बनेगा हमारा नेक्स्ट मसीहा, एंड अब अगर उसके लिए वो चीज़ें फॉलो आउट कर रही है, तुम प्रोबेबली थोड़े भौकलाओगे, तुम थोड़े से तुम डिस्टर्ब होगे उस चीज़ को लेके, तो मुझे समझ आता है, लेकिन इतना देना, इस हद तक चले जाना, सब कुछ दूसरों के ऊपर डाल देना, भाई सारी गलती दूसरों की है, बोर्ड की गलती है, सारी गलती उनके एंटराज की है, उसको सर्जरी नहीं कराने दी, तुम लोगों ने मेरे बेटे का करियर खराब कर दिया, इन माई ओपिनियन दैट इज नॉट ट्रू। एक और खबर जो बहुत आग पकड़ रही है आजकल भाई, वो है पेप लीविंग मैन सिटी। नाउ ये चीज़ें पिछले दो महीने से इन माई ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर रही है, पहले थोड़ी थोड़ी न्यूज़ आती थी बट अब विद टाइम ये चीज़ें बढ़ती जा रही है। लुइस एनरिके को प्रोजेक्टेड रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है उसका, जो कि हो इन माई ओपिनियन इज अ गुड रिप्लेसमेंट भाई, बिल्कुल, अगर तुम लोग एक ऐसा सिस्टम एक सेटअप चेंज करवा रहे हो फ्रॉम मैनेजर लाइक यू नो पेप गार्डियोला, तो लुइस एनरिके इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर हिम एंड आई थिंक दैट इज जस्टिफाइड। लेकिन क्या ये होगा? आई थिंक ये हो सकता है एंड ये चीज प्रोबेबली हर मैन सिटी फैन एक्सपेक्ट कर रहा था एट सम पॉइंट, स्पेशली अगर वो लोग चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो, एंड अगर इस पॉइंट पे वो चैंपियंस लीग नहीं भी जीतते ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि पेप गार्डियोला माइट डू इट, क्योंकि अगर तुम लोग इतना बड़ा सिस्टम बना देते हो, इतने बड़े प्लेयर्स ले आते हो, समवन लाइक हालैंड ले आते हो, यू आर स्टिल नॉट एबल टू विन चैंपियंस लीग या फिर इवन प्रीमियर लीग, जो कि इस सीजन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक ही ट्रॉफी वो लोग लेकर आ पाएंगे, तो अगर वो लोग ऐसा कुछ होता है उन लोगों के साथ एक सीजन की देखो ट्रॉफी ले दिस सीजन दे ब्रिंग हालैंड इनटू देयर टीम, जो हालैंड का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन रहता है, तो उसके बाद आई थिंक क्रिटिक्स इस पॉइंट तक हो जाएंगे ना पेप गार्डियोला के, दैट हिम लीविंग मैन सिटी इज नो मोर एक आउटलैंडिश ऑप्शन। मुझे लगता है वो काफ़ी एक इन हैंड ऑप्शन होगा पेप गार्डियोला के लिए, जो वो कर सकता है ना, अगर वो फॉर एग्जांपल चैंपियंस लीग उखाड़ लेता है फिर तो उसके लिए टू लीव मैन सिटी वुड बी द मोस्ट परफेक्ट टाइम, क्योंकि ही हैज ऑलरेडी डन इनफ टू मेक दम अ स्ट्रॉन्ग लीग टीम पिछले इतने सालों के अंदर, एंड जो एक पॉइंट रह गया यहाँ पे दैट इज ऑब्वियसली चैंपियंस लीग जीतना, अगर वो उखाड़ ही लेता है वो, तो उसके बाद तो उसके लिए छोड़ना वुड बी द परफेक्ट टाइम। एंड मेरे ओपिनियन में लुइस एनरिके का आना वुड बी एक इक्वली जस्टिफाइड ऑप्शन, मेरे हिसाब से लुइस एनरिके को लेकर आना चाहिए, हिम फॉलिंग अपार्ट विद स्पेनिश टीम भी एक्चुअली भी एक बहुत बड़ी चीज है, और ये वर्ल्ड कप के टाइम से शुरू हो गई थी, तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे तो उसकी स्पेनिश टीम के साथ लगी रहेगी, एंड उस सारी चीजों से छोड़ के वो मैन सिटी के अंदर आएगा, कमाई वगैरह करेगा, प्रॉपर छापेगा नोट, तो उसके लिए भी वो चीज ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है आई थिंक दैट इज वेरी पॉसिबल एंड दैट शुड हैपन अगर फॉर एग्जाम्पल मैन सिटी चैंपियंस लीग जीतती है, तो दैट इज अ वेरी बिग ऑप्शन। तो बस भाई इसी के साथ ये वीडियो में ये खत्म करते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से अगली बारी, तब तक के लिए पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे।